शांति दूत कभी बेरोजगारी का रोना नहीं रोते हैं, आपने देखा होगा। और ये लोग आत्महत्या जैसा कृत्य भी ना के बराबर करते हैं, कभी शायद सुनने में मिल जाए तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य और नसीब है। हिंदू के बच्चे बेरोजगारी का ही रोना रोते रहते हैं और जरा से दुखी होकर के आत्महत्या करने की बहुत सारी घटनाएं इनकी सुनने के लिए मिलती हैं। आज वीडियो को काटिएगा नहीं, आगे स्किप मत करिएगा, इसे ज़रूर सुनिएगा। और मैं कुछ ऐसे तथ्य रख रहा हूँ कि आज आपकी आँखें खोलने वाला काम कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि शांति दूतों ने हमारे किन किन कामों पर कब्जा कर लिया, उसका मुख्य कारण क्या है। तो मैं अपने भाव से इस बात को रख रहा हूँ। एक युवा लड़का मेरे पास आया और बोला, महाराज मैं बड़ा बेरोजगार हूँ, नौकरी नहीं मिल रही है। मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को मैं नौकरी दूंगा, 7 साल तो हो गए, नौकरी तो मिली नहीं। GDP की बात, इधर उधर की बात उसने बहुत सारी गिनाई, कुल मिलाकर के जब बोलते बोलते थक गया। तो उसकी सुनने के बाद मैंने उससे कुछ प्रश्न किए और ये प्रश्न आप सभी हिंदुओं की आंखें खोलने वाले हो सकते हैं और आपको समझना चाहिए मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। समझदार के लिए सारा काफ़ी है। मैंने उससे कहा कि तुम दर्जी का काम कर लो, उसने मना कर दिया। मैंने कहा लेडीज़ ब्यूटी पार्लर खोल लीजिए, उसने ये काम भी करने से मना कर दिया। हलवाई का, बड़ई का, लोहार का, वेल्डिंग का काम कर ले, इनमें से कोई काम कर सकता है, बोले नहीं कर सकता। मैंने कहा ग्राफिक डिज़ाइन का काम कर ले, कबाड़ी का काम कर सकता है, बोले नहीं कर सकता। अरे सब्जी फ्रूट आदि बेच ले, बोले नहीं कर सकता। अरे सब जूस की दुकान खोल ले, बोला नहीं कर सकता। आटा चक्की आदि खोल ले, उसके लिए उसने मना कर दिया। मैंने कहा भाई चाय पोए की आदि की दुकान खोल ले, किराने की दुकान खोल ले, रंगाई पुताई का काम कर ले, बोले इनमें से कोई काम नहीं कर। अरे कार ट्रक तुझे चलाना आता है क्या, बोले नहीं मैं नहीं चला सकता। बाइक रिपेयरिंग कर ले, बोले नहीं कर सकता। अच्छा मैंने कहा एक बात बता, तू पढ़ा लिखा है तो तुझे कंप्यूटर तो आता होगा, बोले कंप्यूटर चलाना मुझे नहीं आता। अच्छा अकाउंट का काम कर लेता है, बोले नहीं कर सकता। अच्छा राजमिस्त्री के साथ तू जाकर के काम कर सकता है, उसने उस कार्य को भी मना कर दिया। मैंने कहा भाई सड़क पर बहुत पंचर पुत्र पंचर लगाते हुए मिल जाते हैं, मैंने तू पंचर का काम कर ले, बोले नहीं 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 ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता। अच्छा एक काम कर, होटल रेस्टोरेंट में काम कर सकता है या कोई छोटा मोटा है होटल रेस्टोरेंट खोल ले, उसने इस काम को करने के लिए भी मना कर दिया। मैंने कहा बिजली रिपेयरिंग, पंखा, वॉशिंग मशीन आदि का काम कर ले, सीख ले, बोले नहीं कर सकता। कपड़े की दुकान कर सकता है, बोले नहीं कर सकता। मैंने आखिरकार उससे कहा कि मजदूरी तो कर ही सकता है, बोले अरे महाराज मजदूरी करने के लिए थोड़े पढ़े लिखे हैं इतने हम, तो मैंने तो कर क्या सकता है। बोला मैं पढ़ा लिखा हूँ, BA पास हूँ, ये सब काम मेरे बस के लिए नहीं है, मेरे बस में नहीं है और ना मैंने इन कामों के लिए पढ़ाई लिखाई की है। मुझे क्लर्क की नौकरी चाहिए वरना मेरी शादी नहीं होगी। बोला मोदी ने हम जैसे युवाओं को बेरोजगार बना दिया। आज के युवा मैं कहना चाहता हूँ कि मेहनत करने के बजाय सरकार को गाली देना बेहतर विकल्प समझते हैं। काम तो चारों तरफ बिखरे पड़े हुए हैं, लेकिन काम चोर भी तो चारों तरफ हैं। काम चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, शांति दूत इन कामों को झपट रहे हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे इन बातों से आप सब समझ रहे होंगे, इन शांति दूतों ने इन सब जगह कब्जा कर लिया। कारण क्या है, क्योंकि हम केवल 1-2 पैसे की नौकरी के लिए इंतजार करते रहते हैं, बैठे रहते हैं। तो काम चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, शांति दूत इन कामों को झपट रहे हैं, तुम तो सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे रहो बस। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे भाई बहन, अपने बच्चों को शिक्षित के साथ साथ हुनरमंद भी बनाइए। ये सोचना बंद कर दो कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यह सोच हमें बर्बाद कर देगी। बच्चों को हुनर सीखने की सीख दो। समाज का जब हर व्यक्ति कोई ना कोई हुनर लेकर के बैठेगा, हुनर को जानने वाला होगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत में से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा और सबका जीवन खुशहाल होगा। वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। केवल इन बेरोजगार जो बेरोजगारी का रोना रोते हैं उन लोगों के लिए विशेष रूप से वीडियो है, आप जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। अपने विचार भी रखिएगा।